हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 12 बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ क्या होते हैं और प्लांट्स में ये कैसे यूजफुल होते हैं। इनसे 3 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, व्हाट इज जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होते हैं और प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल होते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखनी है इसमें, और ये 4-5 पॉइंट हैं, ये लिख देने हैं कि वो टॉलरेंट बढ़ाते हैं एबायोटिक स्ट्रेस के और केमिकल पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस रिड्यूस करते हैं। ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, इससे 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमें लिखना है, या फिर इससे 1 या 2 नंबर में आ सकता है कि जो बीटी टॉक्सिन है उसका जीन्स का नाम क्या है, तो क्राई जीन्स। और इसमें इम्पोर्टेंट है क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। या तो इनसे 1 नंबर में जीन का नाम पूछ लिया जाएगा और एक एक नंबर में पूछ ले जाएंगे, या फिर 3 या 4 नंबर में ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये पूछ लिया जाएगा। तो बीटी टॉक्सिन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस जो ये टेक्नोलॉजी है मेथड है इसके, इसमें ये 2 या 3 नंबर में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ये पैराग्राफ है ये भी इम्पोर्टेंट है। बाय टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, मेडिसिन में जो इम्पोर्टेंट है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसका जो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ इसका इम्पोर्टेंट है, इससे 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो इसका डायग्राम है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जीन थेरेपी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे 1 या 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यहाँ से है ये वाला, यहाँ से लेकर पेशेंट बाय इंजेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। और एज ए फर्स्ट स्टेप एडीएस के कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए बनता है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसका, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। मोलिकुलर डायग्नोसिस भी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोलिकुलर डायग्नोसिस में पीसीआर के लिए, एलाइजा के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसमें सिर्फ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो डेफिनेशन है 1 नंबर में वही पूछी जाती है, और इस टॉपिक में एग्जाम एग्जाम के हिसाब से कोई भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाएगी व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इथिकल इश्यूज, इसमें से भी एक एक नंबर में 2 डेफिनेशन पूछी जाती है। पहले पूछी जाएगी जीईएसी की फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इसके सिवा और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज बायोपायरेसी। सिर्फ यही 2 नाम इसमें इम्पोर्टेंट है, 2 टर्म्स इम्पोर्टेंट है। बायोपायरेसी का जो पैराग्राफ है 4 लाइन का, ये इम्पोर्टेंट है, और जीईएसी की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्राई प्रोटीन्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के।